राष्ट्रीय युवा दिवस पर छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। पूर्व सीएम रमन सिंह ने युवाओं को रोजगार के वादे याद दिलाते हुए राहुल गांधी और राज्य सरकार पर हमला बोला। रमन ने बघेल सरकार से पूछा, खेत को शहर से जोड़ेंगे, 60,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, 13,000 लेक्चरर्स की भर्ती करेंगे, बंद स्कूल चालू करेंगे जैसी बातों का क्या हुआ। और आज के दिन युवा दिवस में मैं याद दिलाना चाहूँगा कि किस प्रकार राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के युवकों के साथ वादा किया था, इकोनॉमी को, शहर की इकोनॉमी को गांव से जोड़ेंगे, 60,000 शिक्षक की भर्ती करेंगे, 13,000 लेक्चरर के पद भर्ती करेंगे, बंद स्कूल चालू करेंगे। मुझे लगता है राहुल जी को न देश सीरियसली लेता है न यहाँ के मुख्यमंत्री, क्योंकि इस दिशा में क्रियान्वयन नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जवाबी हमला सवालों से ही किया। उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह पर सवाल दागते हुए पूछा, युवाओं के लिए आपने 15 साल क्या किया, जरा बताइए। 1998 के बाद पहली बार शिक्षकों की भर्ती हुई। रमन सिंह ने उद्योगों पर रोक लगा दी थी। रमन सिंह सिर्फ भावनात्मक बातें करते हैं, उनको ना युवाओं से ना विवेकानंद जी से कोई लेना देना। रमन सिंह 15 साल रहे, युवाओं के लिए क्या किया? 15 साल 1998 के बाद तो पहली बार तो शिक्षकों की भर्ती हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर के खाली पद थे, वो उसकी भर्ती हमने शुरू की, पुलिस की भर्ती अब शुरू करेंगे। तो और उसके बाद वो यहाँ उद्योग मत लगे तो उन्होंने बैन लगा दिया था, तो हमने शुरू की। और आज देखिए 10 राज्य हैं, टॉप 10 उसमें हम भी हैं, तो हम उद्योग लगाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हम तो लगातार युवाओं की और रोजगार के लिए सतत प्रयासरत हैं। वो केवल भावनात्मक बात करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं विवेकानंद जी से या उनके विचारों से। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने महाविद्यालय खोलने का काम, जितने स्कूल खोलने का काम, युवाओं को ट्रेन करने का काम, जितना उनको प्रशिक्षण देने का काम, जितना उनको स्किल डेवलपमेंट का काम, जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, वो तो इस सरकार के राज्य में कुछ नहीं हुआ है, खाली घोषणाएं हुई हैं। और युवाओं को सबसे ज़्यादा काम अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए भी अगर उनको लोन मिला है, उनको सहायता मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिली है। इस सरकार में तो एक भी युवा को रोजगार नहीं मिला। प्रदेश में एक के बाद एक भर्ती या नियमितीकरण के लिए आंदोलन हो रहे हैं। इसको देखते हुए विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार सरकार पर आक्रामक है। तो सरकार बीजेपी को उसके 15 साल के कामकाज और घपले घोटालों को लेकर आईना दिखा रही है। बहरहाल युवा दिवस पर तमाम युवा उम्मीद करते हैं कि अगले 3 बरस उनके होंगे, लेकिन ये क्या सियासत समझ पाएगी, यही बड़ा सवाल है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। यूथ पर सियासत से आने, जी हां, आज युवा दिवस है, यूथ का दिन है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है, और इसीलिए युवाओं पर बात करते करते प्रदेश की दो दिग्गज आज जुबानी वार पलटवार में भी उलझ गए। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक ट्वीट किया सुबह, और युवाओं को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी के किए गए कुछ बातों को, कुछ भाषण को वहाँ पर टैग करते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला। जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आईना दिखाने की कोशिश की कि 15 साल आपने क्या किया, न उद्योगों को लगाया, न कहीं भर्ती की, और अपने बहुत से कामों को उन्होंने गिनाया, और साथ ही कहा कि सिर्फ भावनात्मक बातें करते हैं, न युवाओं से मतलब है, न विवेकानंद से मतलब है। चर्चा आज इसी पर होगी। युवा दिवस पर क्या युवाओं के लिए प्रदेश में 20 बरस में हुआ, क्या सरकारों का रोल रहा, युवा कितने संतुष्ट हैं, सरकारों को क्या कुछ करना है, क्या चुनौतियाँ हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस से बहुत स्वागत, भाजपा से अमित चिमनानी जी हैं, बहुत स्वागत आपको, और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट के तौर पर हैं, ईवी मुरली जी, बहुत स्वागत आपका भी। चिमनानी जी, आप लोगों ने सवाल उठाया आज सरकार पर, युवाओं के लिए क्या हुआ, राहुल गांधी के भाषण को भी टैग किया, लेकिन पिछले 15 बरस की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों ने क्या किया, और 2018 में जब गया था, आप लोगों की सत्ता गई थी चुनाव में, तब एक बड़ी वजह माना गया था कि युवा, जो कि शायद मुझे जहां तक याद पड़ता है 5 लाख नए वोटर जुड़े थे, उसका भाजपा सरकार से कट जाना था।
देखिए अभिषेक जी, इस सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं, अब इस सरकार के आकलन की बारी है। तो जब इनके पास जवाब नहीं बचता है तो मुख्यमंत्री जी से लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पुराने कार्यकाल की बातें क्यों करते हैं? हम जब सत्ता में थे तब हम जवाब देते थे ना। आप एक डिबेट रख लीजिएगा, उसमें मैं 1 घंटा तक बताऊंगा कि हमारी सरकार ने क्या किया। लेकिन आज प्रदेश का युवा जो है वो इस सरकार से प्रश्न पूछ रहा है कि आपने जिन वादों के आधार पर सत्ता पाई है, 70 विधायक अपनी गाड़ियों के काफिले में सायरन बजाते हुए घूम घूम कर जो सत्ता का लाभ और आनंद और सुख भोग रहे हैं, तो जो वादे किए थे उसका क्या होगा? आज भी सुरेंद्र वर्मा जी पुराने 15 साल पे न जा करके जो वादे उन्होंने किए उन पे बात करें। 6,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के युवाओं का कौन खा गया है, ये प्रश्न छत्तीसगढ़ के युवा पूछ रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता देंगे कहां था ना, क्यों नहीं दिया? 10 लाख लोगों को देंगे कहा था, 1 आदमी को आपने दिया। 60,000 लोगों की भर्ती आप करेंगे, 14,580 लोगों की सारी प्रक्रिया पिछले वर्ष नवंबर में खत्म हो चुकी है। उनको कभी आप किसी कारण से लटका देते हैं, कभी कोरोना के नाम से लटका देते हैं, कभी आर्थिक स्थिति का हवाला देके लटका देते हैं, फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं नहीं हम कर रहे हैं, लेटर जारी कर देते हैं। लेकिन 14,580 लोगों में से अभिषेक जी इस भयंकर कोरोना काल में जब पाई पाई को प्रदेश के युवा मोहताज थे, 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। कई लोगों ने आत्महत्या की, मुख्यमंत्री निवास के सामने एक युवा ने अपने आप को जला डाला। तो ये समझेंगे कब? और एक भी चीज इधर उधर की सुरेंद्र जी नहीं करेंगे। मैं निवेदन करता हूं जवाब देंगे, बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, नौकरी कब मिलेगी? मैं टिप्पणी सुरेंद्र जी से ले लेता हूं। जी सुरेंद्र जी, युद्ध पर सियासत युवा दिवस के दिन भाजपा की तरफ से हमला हुआ, आप लोगों ने आईना दिखाने की कोशिश की कि पिछले 15 बरस में क्या किया, हमने तो काफी कुछ किया और कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभिषेक जी, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, विवेकानंद जी का जन्मदिन है, युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, वरिष्ठ नेता है ब्रजमोहन अग्रवाल जी, जिस प्रकार से झूठ को स्थापित करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है कि एक भी नौकरी यहाँ पर नहीं दी गई 2 साल के अंतर, तो यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। मूल बात सरकार की 2 साल की उपलब्धि का है। निश्चित रूप से युवाओं में उत्साह है, जो बेरोजगारी, जो मूल हमारा लक्ष्य था, युवा जो हमारे साथ जुड़े थे, उसके पीछे कारण यही है और उसी दिशा में सरकार पहले दिन से काम कर रही है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार हो। मूल अंतर मैं बताऊंगा अभिषेक जी, हमने आते ही जिस आउटसोर्सिंग का विरोध किया था, जो यहाँ के स्थानीय युवाओं के हक का जो रोजगार है वो दूसरों को, बाहर के लोगों को दिया जाता था, उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और उसको बंद किया। उसके बाद जो मूल बात है, अमित चिमनानी जी बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं कि 90% जो रोजगार है वो असंगठित क्षेत्र से जनरेट होते हैं। इनके कार्यकाल में लगातार हम, चाहे फैक्ट्रियों की बात करें, मैं उस पर आरोप नहीं लगाना चाहूंगा, हमने क्या किया ये मैं बताना चाहूंगा। जो नई उद्योग नीति 2019 से लेकर 24 तक के लिए बनाई गई है, उसमें अकुशल श्रमिक के रूप में जो भी भर्तियां हो रही है 100% स्थानीय युवकों की हो रही है। अकुशल जो है, अर्धकुशल जो है, उसमें 70%, और जो मैनेजमेंट की जो भर्ती होती है, जो मैनेजर के पदों में होते हैं, उसमें भी 40% अनिवार्य रूप से स्थानीय युवाओं को भरने के का प्रावधान किया गया है। 435 उद्योग इनके कार्यकाल में, तो बड़ी बड़ी बात की जाती थी, मुंगेली में 65,000 मेगावाट का पावर प्लांट लगेगा, जमीन आवंटन हो गया है, इस प्रकार से रतन जोत के नाम पर जमीनें दे दी जाती थी। लेकिन हमने पिछले साल 19-20 में 435 उद्योगों की स्थापना की, इस साल जो करेंट ईयर चल रहा है अब तक 110 उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं। चाहे हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें, दंतेवाड़ा जैसे जिले में मल्टी स्किल सेंटर बना, 1900 से अधिक वेलनेस सेंटर बनाए गए इनके कार्यकाल में लगातार। दंतेवाड़ा जिला एक जिले का उदाहरण, 200 स्कूल बंद किए गए थे, सारे स्कूलों को हमने चालू करवाया। इंग्लिश मीडियम स्कूल जो 53 जो शुरू हुए हैं, एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार काम कर रही है, 100 से अधिक स्कूल अगले साल खुलेंगे। 204 ब्लॉक में फूड प्रोसेसिंग जो प्लांट की स्थापना के लिए 104 जगह जमीन आवंटित कर दी गई है, 20 से अधिक जो है फाइनल। सुरेंद्र वर्मा जी गिना रहे हैं, मैं एक टिप्पणी ईवी मुरली जी की ले लूं। मुरली जी, युवा की जब भी बात आती है सबसे पहले रोजगार और काम की बात आती है, शायद युवाओं को सबसे ज्यादा हमारे देश में आज इसी की जरूरत है, स्किल्ड होने की जरूरत है, अच्छे एजुकेशन की ज़रूरत है। क्या सरकारें संतुष्ट कर पाई हैं इन लोगों को पिछले 20 बरस में? हम छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ अमूमन अगर आप देखा गए तो छत्तीसगढ़ में काफ़ी इंडस्ट्रीज
छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले ही यहाँ पे इंडस्ट्रीज थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में यहाँ पे रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ के बजाय बाहर से बहुत से लोग आया और छत्तीसगढ़ को अपना ज़मीन बनाया, अपना राज्य बनाया। तो छत्तीसगढ़ में एक मल्टीलिंगुअल कल्चर है और यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का काम काफ़ी अच्छा हुआ है, यहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिला है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे यहाँ पे जिस तादाद में MOU साइन हो रहा है उस तादाद में इंडस्ट्रीज नहीं लग रहा है। इसके पीछे कई कारण हो सकता है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म हो सकता है या सरकारों का जो विजन होना है इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए वो विजन की कमी होना है। पिछले सरकार ने कई जगहों पर इन्वेस्टर्स मीट भी किए लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए। यदि आप उसका संख्या देखेंगे इन्वेस्टमेंट मीट्स के और उस पर जो पैसा जो खर्च किया गया है, एक इन्वेस्टर मीट में करीब लगभग 40 करोड़ खर्च किया लेकिन 4 लाख का भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो अगर इस तरह से देखा जाएगा तो ये जो जितने MOUs हुए हैं अगर ये सारे के सारे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं पिछले सरकार में तो यहाँ पे एक भी बेरोजगार नहीं रहता, एक भी जवान यूथ। तो ये फेलियर अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया तो क्या इसे हम सरकारों को ये फेलियर मानेंगे? नहीं, बिल्कुल इसमें सरकारों का फेलियर है। सरकारों का फेलियर इसलिए कि जो आप MOUs करते हैं उससे पहले आपको उस इंडस्ट्रीज का यहाँ पे फिजिबिलिटीज एक रिपोर्ट होता है, फिजिबिलिटी स्टडी करना होता है कि इस तरह के इंडस्ट्रीज यहाँ लग पाएंगे कि नहीं। रमन सिंह ने एक बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने जो कोर इंडस्ट्रीज है, क्योंकि जितने भी पहले MOUs हो रहे थे वो सारे कोर इंडस्ट्रीज में हो रहे थे, उन्होंने उस कोर इंडस्ट्रीज को MOUs बंद कर दिया और सॉफ्ट इंडस्ट्रीज जो बाकी जो किस्म के जो इंडस्ट्रीज है उस पर साइंस करना MOU साइन करना शुरू किया। लेकिन उसके बावजूद भी इंडस्ट्रीज यहाँ लग नहीं पाया। नया रायपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप करने की बात है लेकिन अभी तक एक भी इंडस्ट्री वहाँ पे नहीं आ पाया है। उसका कारण ये है कि जो कनेक्टिविटी है, जो रिसोर्सेस है, जो स्किल है, स्किल डेवलप जो स्किल जिस तरह का स्किल चाहिए उस तरह का स्किल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में भी इस तरह का स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से प्रयास जरूर हो रहा है लेकिन जो जो चीजें जरूरत है, फैकल्टीज की जरूरत है, प्रोफेशनल्स की जरूरत है, वो हमारे यहाँ पर नहीं मिल पा रही। चिमनानी जी, बहुत सारे इन्वेस्टर मीट हुए, दरअसल ताम झाम जो होते थे उस पर लोगों का ध्यान भी बहुत जाता है, करोड़ों रुपये खर्च भी हुए लेकिन यहाँ पर वो इंडस्ट्रीज नहीं आ पाई, इसे भी युवाओं को नुकसान माना जाएगा। और ये अगर इंडस्ट्रीज नहीं आई तो इसे भी आप सरकार का फेलियर मानते हैं? कहीं ना कहीं जो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुरली जी बता रहे हैं ध्यान में रखनी थी वो नहीं रख पाई गई, जाने अनजाने ये फेलियर तो है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बाइट सुन रहा था अभी, उन्होंने कहा कि हम टॉप 10 में हैं, तो जनता को ये भी बता देते कि टॉप 10 किस चीज में है। MOU साइन करने में टॉप 10 में है, निवेश आएगा इसके लिए MOU हुआ है। 2 साल में ये सरकार कितने MOU इंप्लीमेंट कर पाई? ये जो इतने सारे उद्योग बोल रहे हैं लग गए 400 यहाँ लग गए 200 यहाँ लग गए, हमको तो दिखते नहीं। अब मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ सुरेंद्र जी से, इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। क्या कहा राहुल गांधी जी ने कि किसान के खेत के बिल्कुल सामने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा, उससे किसान सीधा फूड प्रोसेसिंग यूनिट में अपनी फसल ले आएगा और किसान के बेटों को ही हम रोजगार देंगे। इनके घोषणा पत्र में लिखा है माननीय अभिषेक जी 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट हम लगाएंगे। 200 मतलब 2 साल में 80 लग जानी चाहिए थी। एक भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, नॉट अ सिंगल यूनिट छत्तीसगढ़ में 2 साल में लगी है, आप अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। और जब इनसे सवाल पूछते हैं तो साहब ये कहते हैं कि विपक्ष के लोग तो घर से निकलते ही नहीं। तो मैं आज सुरेंद्र जी से पूछूंगा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहां शुरू हो गई है, मैं और सुरेंद्र जी दोनों जाएंगे, कहां शुरू हो गई है ये बताओ सर, और कितनी शुरू हुई है? ठीक, सुरेंद्र जी जवाब देना चाहेंगे। निश्चित रूप से अमित जी मैं बिल्कुल आपको आमंत्रित करता हूँ, इसी बहाने कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता फील्ड में आए। ये विपक्ष का जो धर्म है कम से कम वो तो निभाए, केवल मीडिया में बयानबाजी करके राजनीति। अच्छा, कहाँ चलना है, कहाँ चलना है आपको, कहाँ लगी है? नहीं, आपको ये सुन लीजिए अमित जी, सुन लीजिए आपके समय में रोजगार मेला लगाकर चीट फंड कंपनियों को बुलाकर
10,000 करोड़ रुपया अरे प्रदेश के युवाओं को आत्महत्या के लिए मजबूर आपकी सरकार के कारण होना पड़ा। मैं बता दूं, आप पूछ रहे हैं ना, सुन लीजिए। जो फूड प्लांट की आप बात कर रहे हैं, 104 ब्लॉकों में जमीन आवंटित की जा चुकी है। अरे कभी दो साल में जमीन आवंटित हुई है, दी जा चुकी है। आप मेरे साथ कुंडा गांव चलिए, अरे निकलिए तो सही। ये टीवी दो साल में जमीन जमीन भी है, दो साल में शुरू कब करोगे? 10 साल के बाद छोड़ दीजिए अमित जी, शुरू कब करोगे? एग्रीकल्चर और शुरू कब करोगे? गोठान 6,000 बन के तैयार है, 2 एकड़ जमीन प्रत्येक गोठान में आजीविका मिशन के तहत, जो हमारे हमारे राज्य में तीन दिए हो, कब फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी, कब रोजगार पैदा होगा? आप 7 वनोत्पाद की खरीदी करते थे, हम 31। अरे फूड पर आज युवाओं पर चर्चा है माननीय सुरेंद्र जी, आज युवाओं पर चर्चा है। 435 उद्योग विभाग के आंकड़े हैं। अरे फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ शुरू हुई है मैं पूछ रहा हूँ, ये जो आप बोल दो कहीं शुरू नहीं हुई, आप बता दो कहीं शुरू नहीं हुई, आप बता दीजिए। पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य जो है पहली बार देश के टॉप 10 राज्यों में आया है। अरे फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ लगी है भाई? 7 और कतार पे है। हम तो किसानों को, वो फूड प्रोसेसिंग से ही रिलेटेड है। आप चलिए मेरे साथ, आप बेमेतरा जिला चलिए, वहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट तैयार है, मक्का प्रोसेसिंग का कोंडा गांव में तैयार है। अरे आप मैदान में इसीलिए होते जा रहे भारतीय नेता। सुनो ना अभिषेक जी, गलत बयानी के चलते आपके चिट फंड कंपनियों का फीता काटने वाले जनता पार्टी आपकी मिली भगत से छत्तीसगढ़ की जनता के खून सीने की कमाई चिमनानी जी जवाब दे रहे। सुरेंद्र जी बुक्का कह रहे अभिषेक जी, अभी इन्होंने जमीन आवंटित की है, अभी ये जमीन आवंटित करके रख दिए हैं। जब इनको सपना आएगा राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का, फिर बाद में फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाएंगे। अरे 2 साल में जमीन आवंटित की हो तो 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट का वादा क्यों नहीं किया? तो चीट फंड आपने वादा किया, पैसा जमा करवा के रोजगार की बात करते हैं। अरे आपसे सवाल है ना, अरे हम ये तो करेंगे, कर रहे हैं वादा, हमने वादा करके सरकार में आ गए। आप तो भूल गए, परिवार को 2003 में क्यों, अरे क्यों नाराज हो जाते हैं आप लोग? बेरोजगारी पत्ता, ये मान लीजिए कि हम वादा खिलाफी कर रहे हैं, हमारा युवाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा था 18 घंटे युवाओं के लिए काम करेगी ये सरकार, कितना घंटा काम करते हो आप लोग? 6 घंटे सोते हो, कभी बोलते हो किसानों के लिए काम करते हैं, कभी बोलते हो युवाओं के लिए काम करते हैं, लेकिन काम किसी के लिए कर रहे नहीं हो आप। ठीक है मुरली जी, किसानों की बात हुई यहाँ पर, युवाओं की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि युवाओं के लिए सभी बहुत काम कर रहे हैं और बहुत से MOUs यहाँ इस सरकार ने भी यहाँ पर किए हैं। आपके हिसाब से क्या मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ के युवाओं को ज़रूरत है? कुछ समय पहले मोबाइल भी दिए गए थे, क्या युवाओं को इस वक्त स्किल्ड होने की ज़रूरत है? क्या उनकी ज़मीनी ज़रूरतें हैं या उनको सरकार से किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत होती है? किस प्रकार की नीड, क्या ज़रूरत है युवाओं की? सबसे पहले तो युवाओं को यहाँ पे रोज़गार की ज़रूरत है, उनको अच्छे एजुकेशन की ज़रूरत है, अच्छे हेल्थ सेक्टर में जो जिस ढंग से काम होना है सरकार को उस ढंग से काम करना चाहिए ताकि जो युवा है वो स्वस्थ रहे। कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है, एक एक बहुत अच्छी बात ये सरकार ने शुरू किया है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने की जो बात है, उन्होंने जितने भी स्कूल शुरू किया है उसके लिए जो रिस्पांस मिल रहा है सरकार को वो काबिले तारीफ है। लोगों को वो जो आइडिया है वो काफ़ी पसंद आई है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के जो युवा है उन युवाओं को रोज़गार के लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज खोलने की ज़रूरत है। आजकल अगर देखेंगे तो सारे जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज है वहाँ पे एक आउटसोर्सिंग का एक नया फॉर्मूला शुरू हुआ है, तो जितने भी जो रोज़गार है, जितने भी काम है, वो काम आउटसोर्सिंग के तहत किसी न किसी प्राइवेट फर्म को दिया जाता है, जो आउटसाइडर भी हो सकता है,
जो प्रदेश का ही हो ये कोई जरूरी नहीं है, बाहर के लोगों को भी दिया जाता है। तो आउटसोर्सिंग से जो एम्प्लॉयमेंट का जो सिक्योरिटी बनता है, जो एम्प्लॉयमेंट का जो क्रिएशन होता है वो काफी कम हो गया है। तो ये एक एक ये केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, ये हर जगह है, हम पूरे पूरे प्रदेश भर में है। तो इसके लिए क्या कोई पॉलिसी बनानी होगी, क्योंकि हम लगातार पिछली सरकार में भी सुने थे आउटसोर्सिंग को लेकर काफी विवाद हुआ था। जो कॉम्पिटिशन की जो बात आती है उसमें हर कंपनी अपना जो एक्सपेंसेस है, कॉस्टिंग है, उसको कटेल करने के लिए इस तरह का काम करता है। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यहाँ पे जो पहले जितने भी लगे थे वहाँ आप देखेंगे कि ये एक मूल उद्देश्य था उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नेहरू के समय में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे आप पब्लिक सेक्टर्स में भी देखेंगे वहाँ पर भी रोजगार का कटौती इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि जहां पे 60,000-70,000 लोग काम करते थे वहां आजकल 20,000-22,000 लोग काम कर रहे हैं। और भी प्रयास है कि और भी कट किया जाए। तो पावर सेक्टर्स जितने भी एमओयूज हुए थे उसमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ प्रोफेशनली स्किल्ड लोगों को नौकरियां मिल रही थी। तो यहाँ एक सवाल जी मेरे, एक सेक्टर ये जो है जहां पे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है वो है एग्रीकल्चर। तो सरकार का फोकस एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज पर होना चाहिए ताकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैक्सिमम युवाओं को रोजगार मिले। पर मुरली जी, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, पर युवाओं का इंटरेस्ट भी एग्रीकल्चर में होना चाहिए। आजकल तो हकीकत यह है कि किसान का जो बेटा है वो भी खेती नहीं करना चाहता, वो भी कोई नौकरी करना चाहता है। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि रोजगार का मतलब क्या सिर्फ नौकरी है या खुद के भी कुछ काम किए जा सकते, क्योंकि नौकरियां कितनी मिलेंगी उसकी भी एक लिमिट है। रोजगार का मतलब केवल नौकरी नहीं होता, रोजगार मैंने इसलिए कहा एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क को अगर प्रमोट करे, प्रमोट तभी हो पाएगा जब उनको लगे कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। जो कोई भी काम जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, जिसमें कोई बहुत ज्यादा अड़चन ना हो, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा अड़चन होता है ब्यूरोक्रेटिक अड़चन। कोई भी काम करने के लिए अगर हम जाएंगे, कोई भी चीज सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं होता, उसके पीछे बहुत घूमना पड़ता है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, एक एक पेपर एक टेबल से दूसरा टेबल तक पहुंचाने में समय लगता है, पैसा लगता है। तो सरकार को चाहिए कि इस तरह का जो दुविधाएं हैं इसको दूर करें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड काम के लिए प्रोत्साहित करें, उनको स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करें। वो जो काम करना चाहे उस काम के लिए जब तक सरकार की तरफ से इनकरेजमेंट नहीं होगा तब तक ये सब जनरेशन हो नहीं सकता। सिंगल विंडो की बात आपने कही और सिंगल विंडो मुझे लगता है कि हर सरकार इस बात को जरूर कहती है कि सिंगल विंडो सिस्टम। चिमनानी जी आप ही के पास आ रहा हूँ, सिंगल विंडो की बात आपके जमाने में भी हुई थी, आपकी सरकार के समय भी हुई थी, पर जो बता रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स वाली समस्या वो आज भी बनी हुई है। चिमनानी जी देखिए, हमेशा विकास एक सतत प्रक्रिया होता है। इस सरकार ने दो तरीके के रोजगार के वादे किए थे, एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा नौकरियां। ये सरकार दोनों नहीं कर पाई। दो साल में इस सरकार ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे कम दिनों में सबसे ज्यादा युवाओं ने यहाँ आंदोलन किया है। शिक्षा कर्मियों ने अभिषेक जी भयंकर कोरोना काल में जब लोग डर से दुबक के घरों में बैठे थे, वो बेचारे रास्तों पर थे। आज भी उन 14,580 लोगों को एक रुपया तनख्वाह इन लोगों ने नहीं दी है। और ये सुरेंद्र जी कह रहे थे युवाओं में उत्साह है, मेरे पास उन युवाओं के मैसेज हैं, मैं पब्लिकली पढ़ नहीं सकता उनकी तकलीफ कितनी ज्यादा है। अभी हमने देखा विद्या मैदान 1.5 महीने हड़ताल पर थे, हमने देखा स्वास्थ्य कर्मी कोरोना काल में हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो गए और फिर से 23 तारीख को स्वास्थ्य कर्मियों ने यह कहा है कि हम फिर से हड़ताल पर जाएंगे। कोविड का वैक्सीनेशन का दौर शुरू ही नहीं हुआ है कि फिर से यहां हड़तालें चालू हो रही है। कौन सा ऐसा वर्ग है जो प्रसन्न है, कौन सा ऐसा युवा है जिसका आपने काम किया है? युवाओं में भारी निराशा है और सरकार ने पूरी तरीके से उनको इग्नोर कर दिया है। और चिमनानी जी मैं आपका सवाल सुरेंद्र जी को देता हूं, एक सवाल आपसे भी यहां पर मैं करना चाहूंगा। आप मानते हैं आपके शासन काल में क्या युवा संतुष्ट था, रोजगार मिल गए थे, ब्यूरोक्रेसी की समस्या नहीं थी? फिर मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा। ये मुझसे सवाल है जी। जी चिमनानी जी आप ही से। सर हमने तो हर जिले में स्किल डेवलपमेंट के कॉलेजेस खोले थे जो ये चला ही नहीं पा रहे हैं। 3.25 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया गया और जिनमें
3.25 लाख में से 1.5 लाख को तो हमने नौकरी दी। हम तो बस्तर और दंतेवाड़ा को के बच्चों को आईएएस आईपीएस बनवा रहे थे, दिल्ली में हम पढ़ाई करवा रहे थे। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, खाली ये बोलेगी कि हम ऐसा करेंगे लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। युवाओं के लिए इस सरकार ने अभी तक कोई काम शुरू ही नहीं किया है और ये बार बार आरोप लग रहा है भाजपा की तरफ से। इसके डेवलपमेंट के कार्यक्रम चला रहे थे वो बंद कर दिए गए, सिंगल विंडो की बात होती है, ब्यूरोक्रेसी जैसे मुरली जी बोल रहे हैं आज भी हावी है। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक ही काम बच गया है कि किस प्रकार से झूठ को फैलाकर भ्रम फैलाया जाए। तो निश्चित रूप से मुरली जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत विस्तार से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में काम हुए हैं। निश्चित रूप से चाहे हम इंग्लिश माध्यम स्कूल की बात करें, और मूल अंतर तो यही है, ब्यूरोक्रेसी आप समस्या मानते हैं बड़ी है अभी भी, इसे एक बड़ा बड़ी कड़ाई के साथ और बड़ी उसके साथ दूर करना जरूरी है। समस्या कहा जाना उचित नहीं होगा अभिषेक जी, वो भी सहयोग के लिए है और उनकी भी जो मंशा है वो कहीं ना कहीं विकास को जन जन तक पहुंचाने की है। जो आरोप लगा रहे हैं मैं बता दूं, शिक्षा कर्मी की बात कर रहे हैं, 16,278 शिक्षा कर्मियों की इसी सरकार ने इसी कोरोना काल में ही नियमितीकरण किया। तो भारतीय जनता पार्टी से भ्रम फैलाना, सरकार की जो मूल मंशा है, जिस उद्योग की बात कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, आप तो आउटसोर्सिंग करते रहे, हमने उद्योग नीति में आमूलचूल परिवर्तन किया, उद्योगों में स्थानीय निवासियों की भर्ती की प्रक्रिया सुनिश्चित की, ना केवल निजी उद्योगों में, सरकारी नौकरियों में बस्तर और सरगुजा में क्लास 3 और क्लास 4 बिना पैसे की नौकरी देते हैं, स्थानीय युवाओं की जी, अमित जी, भर्ती सुनिश्चित की है। शुक्रिया आप लोगों का कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा युवाओं पर है और युवा कितना संतुष्ट है, युवा की क्या जरूरत आज के समय में है, बात यही हो रही थी। सरकारों से क्या उम्मीद युवा करता है, क्या समस्याएं आती है, वरिष्ठ पत्रकार ने भी इस चीज को यहाँ पर बताया, और क्या युवा को इस वक्त चाहिए वो भी उन्होंने बताया। हालांकि जब चर्चा होती है तो ये बात निकल कर आती है कि सभी की मंशा युवाओं के विकास की है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो ब्यूरोक्रेसी हो, फिर समस्या कहाँ पर आकर खड़ी होती है ये अपने आप में ढूंढना बड़ी समस्या शायद आज के समय बना हुआ है। और जिस दिन शायद इस समस्या को हम ढूंढ लेंगे, युवाओं की समस्या दूर हो जाएगी। आज का मुद्दा इतना ही।